सो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं। इसमें हम आपको कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बताएंगे, उन फोर्सेस की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये चैप्टर का नाम आती है आपके दिमाग में बहुत सारे फेजेस की बात आती है कि वेज कंस्ट्रेंट सिस्टम होता है, पुली होता है, स्ट्रिंग कनेक्टेड होता है, रॉक कनेक्टेड होती है, और वो कनेक्टेड मोशन टाइप की बातें आती है। तो वो जो उनके बीच में उनको कनेक्ट करने वाले जो फोर्सेज है बेटा उनके बीच में, अगर आप यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल में पता होगा तभी आप बताया क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, व्हाट इज फोर्स, आई रेफरेंस दैट द फोर्स इज दैट कॉज, फोर्स इज दैट कॉज व्हिच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसकी बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, डेफिनेशन आपको पता होगा, यूनिट आपको पता होगी फोर्स की, यूनिट फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है टाइम। बाकी यूनिट ऑफ फोर्स और ग्राउंड फोर्स भी कुछ यूनिट्स होती है, इसका बेटा वेट सिस्टम में होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ी है जानते हो। इस फोर्स को अगर मैं कैटेगराइज करूँ जो कि मैंने पिछली क्लास में जल्दी जल्दी कर दिया था, तो फोर्स को मेनली हम कॉन्टैक्ट कैटेगराइज करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा और भी फोर्सेस होते हैं, इसके अलावा और कौन से फोर्स होता है बेटा, एक आप बोल सकते हो वीक फोर्सेस होते हैं जैसे बंदरबाद फोर्स वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये सब सारे के सारे क्या है बेटा, फोर्स ही होते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, फोर्स ही है। बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पार्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब वी आर डिस्कसिंग द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन। हमें मोशन पढ़ना है बेटा विद कॉज। अभी तक आपने जो पढ़ा है वो विदाउट कॉज पढ़ा है। अभी तक आपने जितना भी मोशन का डिस्कशन किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सर टू दैट जॉइनिंग योर क्लास बिकॉज आई एम जॉइनिंग यू सर द कंडीशनर आल्सो एंड टेकिंग नोट्स ऑफ सेम चैप्टर थ्राइस। नहीं बेटा, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, माय लेक्चर्स फॉर द डमी स्टूडेंट्स। मैं बेसिकली डमी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता हूँ, पर स्टिल अगर आपको कुछ यहाँ पर क्लियर करना है तो आप क्लियर करने के लिए आ सकते हो। आप कहीं और ऐसे योगी सर का लेक्चर रहे या कहीं और, तो यू आर फ्री, आप जहाँ भी अटेंड करना चाहो यू आर फ्री फॉर दैट। ठीक है, कुछ पूछना है तो भी बेटा, अगर आप डमी पे हो तब तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा बिकॉज डमी का लेक्चर मेरे डमी पे मेरे आप तब तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम आपको ये बता रहे थे कि हमने अभी तक जो पढ़ा मोशन रेट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी बेटा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ क्यों आया, वेलोसिटी आ क्यों रही है, एक्सेलरेशन आ क्यों आया, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन में एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, वेलोसिटी क्यों बदल रही है, कितनी बदल रही है, किस रेट से बदल रही है, तो बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सो हियर बिकॉज हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे बेटा, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में बेसिकली when the objects are in contact, sir, are electromagnetic forces non-contact? बिल्कुल बेटा, अभी explain कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी forces को discuss करना है, वो हैं contact, क्योंकि Newtonian mechanics में जितनी भी objects का आप motion discuss करेंगे बेटा, चाहे वो pulley constraint system हो, चाहे वो weight system हो, वो सारे के सारे एक दूसरे से connected होते हैं, एक दूसरे को या तो रस्सी से बंधे होंगे एक दूसरे के साथ, या एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात होती है। अब पहले चलो ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मींस द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जैसे इस समय मैं यहाँ पर बैठा खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे ठीक सामने लैपटॉप है, चेयर है, स्टैंड है, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, मैं इन सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन सारे ऑब्जेक्ट मुझे अट्रैक्ट कर। ठीक है, क्यों, कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। बट क्या मेरा इनके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं इनको टच नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे टच नहीं कर रहे, बावजूद उसके हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो फोर्स होता है बेटा वो होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो जितने भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया बेटा, बिकॉज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देयर आर सम चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, देन ऑल्सो दे आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स ऑन ईच अदर।
पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, जबकि वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा बेटा वो भी क्या होगा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आता है बेटा वो भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में केवल एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वी विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर वर्क ऑन एनर्जी, ठीक है? जब हम वर्क ऑन एनर्जी पर पढ़ेंगे उसके बाद ग्रेविटेशन पर आएंगे, नॉट इवन आफ्टर रोटेशन का, आफ्टर वर्क ऑन एनर्जी। और बाकी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? बट हाँ बिल्कुल, दे आर द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बिकॉज वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं, ठीक है? अब कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है उसके बाद एक दूसरे के ऊपर, सॉरी कॉन्टेक्ट में है तब जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स। लाइक इफ आई एम गोइंग टू पुट माय हैंड ऑन दिस बोर्ड, अगर मैंने इस पर यहाँ पर रखा, बोर्ड पर रखा, ऐसे जैसे मेरा हाथ बोर्ड पर रखा मैंने, तुरंत के तुरंत मेरे हाथ का ये जो सरफेस है इसके जो फ्री मॉलिक्यूल है और इसके फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल है दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। ये फोर्स क्यों आया बेटा, क्योंकि हमारे हाथ का कॉन्टेक्ट बोर्ड के साथ हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स आ गया बेटा। सो दैट फोर्स इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है? कॉन्टेक्ट फोर्स में जैसे एग्जाम्पल इसका मैं लिखूँ, तो आपने क्योंकि आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो आपने सुना होगा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। टेंशन फोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि जब स्प्रिंग होती है कोई आप पकड़ करके टाइट कर दो, खींच दो, पूरा टाइट कर दो, तो टेंशन फोर्स आता है, वो भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के काम में आता है, दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में लाने का काम करता है, वो भी कॉन्टेक्ट फोर्स है बेटा। टेंशन फोर्स के बाद एक और फोर्स आता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। स्प्रिंग फोर्स टेंशन रिएक्शन होता है, टेंशन फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या है बेटा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस चैप्टर बट लेटर, ठीक है? अभी आज हमारा तो नॉर्मल और टेंशन ही होने वाला है, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स के बारे में थोड़ी सी बातें होंगी थोड़ी देर के बाद, मतलब इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें होंगी, बाकी बातें सेक्शन में होंगी। और इस स्प्रिंग फोर्स के बाद आता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फोर्सेस है ना, दे आर द इंपॉर्टेंट फोर्सेस, मतलब जो कि आपके सिलेबस में है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चार के चारों जो है बेटा ये है कॉन्टेक्ट फोर्सेस, जिनमें से दो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। सर स्टैटिक चार्ज इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, स्टैटिक चार्ज इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बेटा सबसे पहले तो आप ये बताओ, चार्ज कैन बी अ फोर्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपने जो स्टेटमेंट लिखा यहाँ पर, स्टैटिक चार्ज इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, चार्ज फोर्स है? नहीं बेटा, चार्ज प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, उस प्रॉपर्टी की वजह से जो फोर्स आता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना? तो आपको ये पूछना चाहिए था कि सर जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, तो वो जो फोर्स आता है वो फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स होता है क्या? तो नहीं बेटा, वो कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं होता है। देखो मान लो अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे लेकिन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। So that's why that force, that electrostatic force is the non-contact force. लेकिन अगर मान लो इसका कुछ एक मास और इसका आपने एंगल बनाया, तो ये मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को आपने कुछ एक चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज उठाकर टेबल पर रख दिया, तो इस चार्ज पार्टिकल और इस टेबल के बीच में जो फोर्स आया that will not be electrostatic force. जो भी फोर्स आएगा इसका वेव लगेगा, वेव की वजह से रिएक्शन आएगा, that will be contact force. आई बात समझ बेटा? सर आर न्यूक्लियर फोर्सेस आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट? यस बेटा, न्यूक्लियर फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। वैसे न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग अलग से ही रखते हैं, हम इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं लिखते हैं, वैसे कंसेप्ट इसका बिल्कुल वही है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, अगर आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो न्यूक्लियर फोर्स इज टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, राइट? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, कई सारे पॉजिटिव चार्ज नैनोमीटर के डिस्टेंस पर है, पिकोमीटर के डिस्टेंस पर है एक दूसरे के बीच, उनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा है नहीं। हाउ इज पॉसिबल? टू पॉजिटिव चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हाउ इज पॉसिबल?
उनके बीच में तो रिपल्सन होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन के बीच में को भाग जाना चाहिए, फिर भी वो क्या करते हैं दस एक साथ आते टुगेदर एक साथ वहीं पर न्यूक्लियस के अंदर भरे पड़े। क्यों होता है बेटा? इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन टू अस नाउ। अभी तक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जितने भी फोर्सेस हमें पता है ना उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। इतना खतरनाक है कि आपको पता ही होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ये डेवलप कैसे होता है? जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सब पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। इसके बारे में पता लगाया था जापान के साइंटिस्ट थे युकावा। युकावा ने सबसे पहले पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये किससे मिलकर बना हुआ है। एक और आपने पढ़ा होगा कि दे आर मेड अप विद द क्वार्क्स एंड द एंटी क्वार्क्स। वो कंसेप्ट अलग है बेटा। जो जापान के साइंटिस्ट थे युकावा, उनने जो कंसेप्ट अपना दिया न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, ये मेसन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। मेसन पार्टिकल एक न्यूक्लियर पार्टिकल होता है बेटा, बिल्कुल वैसा ही जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, वैसे ही मेसन पार्टिकल होते हैं, पाई पॉजिटिव पाई नेगेटिव एंड पाई जीरो। ठीक है, जब ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन या कोई भी दो चार्ज एक दूसरे के बहुत पास में आते, बहुत क्लोज आ जाते बेटा। ठीक है, एक सेकंड इसका जवाब देता हूं बेटा, पहले न्यूक्लियर फोर्स समझो। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के बहुत पास में आ जाते, ठीक है, बहुत पास में आने से क्या होता है, इसका मेसन पार्टिकल उसके पास, उसका मेसन पार्टिकल इसके पास, मतलब क्या हो रहा है, मेसन का एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। इसका मेसन उसके घर में जा रहा है, उसका मेसन इसके घर में आ रहा है, मेसन का एक्सचेंज स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से डेवलप हुआ न्यूक्लियर फोर्स। सो वी कैन नॉट बी श्योर दैट वेदर दे आर द कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट, क्योंकि भाई चीजों का एक्सचेंज हो रहा है वहां। ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट रखा है, कॉन्टेक्ट या नॉन कॉन्टेक्ट मिला करके सेपरेट रखा है न्यूक्लियर फोर्स को, बिकॉज दिस डेवलप ड्यू टू द मेसन पार्टिकल एक्सचेंज एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स नोन टू नाउ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता ना, तो ये जितना मेरे सामने सामान रखता है सब आकर मेरे ऊपर चिपक जाता। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, राइट? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो सबसे वीक फोर्स होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलता है वो दिखता है प्लेनेटरी मोशन। जैसे हमारी सन है, सन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको उसके ऑर्बिटल में बाउंड करके रखा हुआ है? ऑब्वियसली दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रीडोमिनेंट, क्यों प्रीडोमिनेंट बेटा? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, अ वेरी ह्यूज मास। बहुत ज्यादा मास की वजह से क्या होता है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में बात करता हूँ, तो मास बहुत कम है बेटा। सो दैट्स व्हाई इट इज द वीकेस्ट फोर्स। इवन इतना वीक होता है आपको पता नहीं चलता कि आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, आप किसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है बेटा, सर व्हाई डज आवर हैंड्स डू नॉट स्टिक टू ग्राउंड अंडर ग्रेविटी? ओके, हमारे हाथ जो है वो ग्राउंड पर चिपकते क्यों नहीं है? ग्रेविटी की वजह से बेटा। अगर हम आपसे बात करें मासेस की, मासेस की बात करें बेटा, तो हमारे हाथ को आपने ग्राउंड पर रखा, ग्राउंड पर मतलब क्या, अर्थ। अब अर्थ के मास के कंपैरिजन में आपके हाथ का मास कितना है? बहुत ही कम है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ के बीच में, आपके हाथ के बीच में ग्रेविटी मतलब अर्थ के बीच में जो फोर्स डेवलप होगा दैट विल आल्सो बी नेग्लिजिबल। और जब नेग्लिजिबल होगा तो आपको फील कहां से होगा कि हाँ वो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है ना, अट्रैक्ट करता है लेकिन स्टिक नहीं करता, क्योंकि वो फोर्स इतना नेग्लिजिबल होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। कभी आपको लगता है कि आप अपने सर पे 2 किलो का बाल लेके चल बाल होता है ना सर, बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल, उसका मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स तो होता है लेकिन फोर्स का कुछ एक कॉन्सिक्वेंस है, डोमिनेशन भी होना चाहिए ना, तभी तो आप उसको फील कर पाओगे। ठीक है, कोई अगर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस देखने को नहीं मिलेगा तो आपको फील कैसे कर पाओगे? इसकी किससे नहीं करता बेटा, है ये सब आप ग्राउंड से देना तो न्यूटन का पर। ठीक है, ये सब जो बातें आएंगी जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे ना, वहां पर आप डिटेल में पूछना, मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो खैर अभी आज में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, न्यूटन लॉ से रिलेटेड बियॉन्ड द टॉपिक जाएगा, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम इन सारे फोर्सेस का डिस्कशन करने वाले हैं,
नॉर्मल रिएक्शन क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, जिसमें से नॉर्मल और टेंशन की बातें तो अभी हुई, ठीक है ना, नॉर्मल और टेंशन की बातें हम पहले करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग फोर्स, और फिर फ्रिक्शनल फोर्स को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल और टेंशन को आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि नॉर्मल होता है क्या, टेंशन होता है क्या, आता कहां से, ये सारी बातें यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे नॉर्मल फोर्स, डिस्कस अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन। कोई मुझे बताएगा नॉर्मल रिएक्शन होता क्या, कोई बताए बेटा? सो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटेशन भी होता है क्या, वो भी नॉर्मल है, इसे उनके बीच में कांटेक्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी भी दो चीजों के बीच में जब कांटेक्ट होता है, जब कांटेक्ट होता है तभी फ्रिक्शन भी आता है बेटा, फ्रिक्शन भी नॉर्मल होता है। डू ऑल फोर्सेस फॉलो इनवर्स का लॉ, नहीं बेटा, सारे फोर्सेस इनवर्स का लॉ फॉलो नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स फॉलो नहीं करता है। वो जब हम उस फोर्सेस पर आएंगे तो हम वहां पर बात करेंगे बेटा, हम न्यूटन्स की बात कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आज की भी क्लास ऐसी निकल जाएगी। हाँ, अभी किसी ने मुझे बताया द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स। ओके, बेटा नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो बेटा ये एक बकेट, इस बकेट के अंदर आपने पानी भर रखा है, ये पानी भरा हुआ, इसके अंदर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, इस वाटर मॉलिक्यूल के अगल बगल बहुत सारे और मॉलिक्यूल है तो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है उस मॉलिक्यूल पर जो मॉलिक्यूल वाटर के अंदर है। तो एक पर्टिकुलर रेडियस होती है, उस रेडियस के अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर की रेंज ऊपर से लिया जाए, चलो यार उतना डिटेल में ना जाते, वो सारे मॉलिक्यूल जो अंदर है उनके ऊपर चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, ये जो मॉलिक्यूल सबसे ऊपर वाले सरफेस पर बैठा, सरफेस पर बैठा, क्या इस पर फोर्स बैलेंस होगा क्या? इसके नीचे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल, तो क्या इन मॉलिक्यूल्स पर फोर्स बैलेंस्ड है क्या? नहीं, नहीं है ना, मतलब किसी भी सरफेस का, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्री सरफेस होता है बेटा, उस फ्री सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड होता है, वो अनबैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, ठीक। मतलब अगर मेरा ये हाथ है तो मेरे हाथ में जो फ्री सरफेस है इसके बिल्कुल टॉप पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, उनके ऊपर अनबैलेंस्ड। And similarly, आप अगर देखोगे बेटा यहाँ पर, don't worry बेटा, मैं सारे videos upload करूँगा। इस board की बात करूँ, इस board की free surface पर भी क्या है बेटा, सारे molecule unbalanced state में। अब मैंने अपने हाथ उठाए इस board पर रख दिया, मेरा हाथ गया इस board पर रख दिया, अब मेरे हाथ पर के जो free surface वाले molecules हैं और board के जो free surface वाले molecules हैं इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और उनके इंटरैक्ट करने की वजह से वहां पर क्या आएगा बेटा, फोर्स डेवलप होगा। तो वो जो फोर्स डेवलप होता है उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जितना स्ट्रॉन्गली आप पुश करोगे, जितना स्ट्रॉन्गली आप पुश करोगे इस सरफेस को, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्गली दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आएगा, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया कि व्हेनेवर there will be the contact surfaces, whenever there will be the contact between the surfaces, the molecules of these surfaces get interacting with each other, ek dusre se interact karna start kar dete hain, and that interaction leads normal reaction, theek hai beta? Normal reaction ka kya hai, when two surfaces kabhi bhi har jagah ye numerical ko solve karte hain hamesha dhyan rakhna padega, theek hai, when two surfaces are in contact with each, there
molecules start interacting with each other and leads normal reaction. तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई बेटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, समझ आया क्या? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्मल रिएक्शन. जैसे में कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन की वजह से आता है. सर, डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस? प्रणव बेटा क्या हो गया आपका? अच्छा, तो नहीं पहुंच गए. दिस इज द टॉपिक ऑफ 12 बेटा, और हम इसको बाद में ही डिस्कस करेंगे. ज्यादा बेटर है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं. बिल्कुल मीडियम पर डिपेंड करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 12 का सिलेबस है बेटा. ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर देना मुझे. अभी क्लास में कोई चले तो चल रहा है. चलो बेटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? जब दो सर्फेसेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं बेटा, तो वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से वहां पर क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन आता है. नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ठीक है बेटा, अब इसकी रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इवेंट को सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग में हमेशा बना करके रखना है. इम्पोर्टेंट पॉइंट को सॉल्व करते वक्त हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए. ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट बेटा, कभी भी नॉर्मल रिएक्शन आप देखोगे ना, नॉर्मल रिएक्शन इसका नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है, तो पहला पॉइंट तो सबको पता ही है, ऑलवेज एट परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो अब बेटा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट? ठीक है ना, कैसे आप इसको डिसाइड करोगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? आई विल टेक सम एग्जांपल. पहले कुछ पॉइंट जो भी है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे कि कैसे आपको नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन लगाना है, चेक करना है. दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए बेटा, इट इज ऑलवेज पुश फोर्स. ये बेटा हमेशा पुश करता है. पुश फोर्स मतलब समझते ना, जैसे मैंने अपने हाथ को इस बोर्ड पर रखा तो मेरे हाथ ने बोर्ड को पुश किया, बोर्ड ने मेरे हाथ को पुश किया. ऐसा नहीं कि बोर्ड ने मेरे हाथ को पुल किया और मेरे हाथ ने बोर्ड को पुल किया, नहीं किया होगा, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो हुआ, मेरे हाथ ने बोर्ड को पुश किया और बोर्ड ने मेरे हाथ को पुश किया. तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुश फोर्स. फील करना इसको, इट इज ऑलवेज पुश फोर्स. ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आप किसी को पुल नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, आप सिर्फ उसको पुश कर सकते. ओके, क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुश फोर्स बेटा, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. द नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. दिमाग को आपको पता है, अभी जो ये पहले बताया मैंने. ठीक है, तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. कभी कभी ये पूछ लिया जाता है बेटा, है ना, तो जब ये पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा होता है, इसका खास क्या है. तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. अब बात यहाँ पर ये आती है, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, शायद दिखा रहा हूँ लगा हुआ है बेटा, मैंने मैसेज किया था आज हमारी क्लास को, मुझे थोड़ा जल्दी लगाना पड़ गया ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क. ठीक है, तो वट एवर मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वही मैं अपलोड करूंगा अभी शाम को. ठीक है बेटा, जो लोग अभी अभी आए हैं, लेट से मैसेज देखा है, किसी इनकन्वीनियंस भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं, बट आई विल अपलोड द वीडियो. चलो बेटा, अब ये तो तीन के पॉइंट हो गए ना, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कैसे हम नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन सिलेक्ट करने वाले हैं. तो आई एम गोइंग टू पुट सम एग्जांपल हियर, और आप नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम उसमें ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन. ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं.
क्योंकि बड़ा जरूरी होता है जब आप न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ पर तो यही छोटी छोटी बातें ही आपसे मिस हो जाती है कि यार नॉर्मल गियर लगाऊं कैसे लगाऊं और उसके लिए पूरा क्वेश्चन गलत है. तो आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल. यू हैव टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट पॉइंट. देखो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर पूरा बैठा, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर. ठीक है, सपोज इट लाइक लैडर. ठीक है ना, एक लैडर जो बॉल ऑफ ग्राउंड पर रेस्टेड है, ऐसे कोई एक रॉड की सीढ़ी ऊपर बैठा होगा, क्या जीना होता है ना, जीना. उस जीने पर मान लो इस तरह से कोई एक रॉड रखी हुई है, तो यहाँ पर जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां पर आपको बताना है. और एक और बना देता हूँ कुछ इस तरह से बेटा, जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, हर पॉइंट पर आपको नॉर्मल रिएक्शन पर डायरेक्शन बताना है. ये ध्यान रखना, ये भी जीना है, जीने पर ये एक बॉल रखा हुआ है स्फीयर. आप ड्रॉ करिए कॉपी में डायरेक्शन और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप मैच करिएगा कि आपने सही बनाया. ठीक है बेटा, बाकी नॉर्मल तो आपको पता है, अगर कोई आदमी कहीं पर खड़ा है चलो बना ही देता हूँ कुछ इस तरह से. और मान लीजिए ये बेटा हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं. इन डायग्राम्स में आपको नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि कहां पर क्या असर रहा है. ये ठीक है, एक डायग्राम ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हो गया, मान लो पांच. यू हैव टू टेल मी वेयर एंड हाउ द नॉर्मल रिएक्शन है. ड्रॉ करिए बेटा, चलो मैं बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है इसको. पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वहां पर आपको ड्रॉ करने हैं फोर्सेस को. ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को कैसे दिखाना है. देखो बेटा, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ फर्स्ट डायग्राम है. ठीक है, अब जो कॉन्टेक्ट है इसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है वॉल, वॉल का एक सरफेस है बेटा, और लैडर का ये क्या है, शार्प पॉइंट है. एक सेकंड बेटा, सॉरी सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा टिकट हो गया. तो यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट पर एक ये वॉल है, वॉल का एक सरफेस है बेटा, और ये जो लैडर है, लैडर का एक पॉइंट की वजह से होता है. तो नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर आएगा. सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सरफेस होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा. तो नॉर्मल आएगा इस तरफ बेटा. अगर इस पॉइंट को ए नाम दे दो, दिस इज द नॉर्मल एट पॉइंट, मींस द वॉल विल पुश इट द लैडर परपेंडिकुलरली अवे, क्योंकि सरफेस यहां पर क्या है बेटा, वॉल. ठीक है, ये वॉल क्या करेगा, इस लैडर को पुश करेगा. अगर सिमिलरली यहां पर देखो, ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड एक सरफेस है, लैडर अगेन एक साफ पॉइंट है. तो अगेन क्या होगा बेटा, यहां पर ऐसा होगा. ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर जहां पर भी कॉन्टेक्ट बन रहा है, अगर दो सरफेसेस हैं, जैसे यहां पर देखो दो सरफेसेस बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल ऊपर को आएगा, नीचे को आएगा, परपेंडिकुलर पेयर में आता बेटा हमेशा. यहां पर भी पेयर में ही आता है हमेशा. लैडर को ग्राउंड ने ऊपर पुश किया और लैडर ने ग्राउंड को नीचे पुश किया उसी डायरेक्शन में. सिमिलरली वॉल ने ग्राउंड को राइट डायरेक्शन में पुश किया और लैडर ने वॉल को लेफ्ट डायरेक्शन में. हाँ, ये फोर्थ पॉइंट का बेटा, इसको आप नोट कर लेना. फोर्थ पॉइंट, ये ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर, ये हमेशा पेयर में ही आता है बेटा. ठीक है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन है हर कॉन्टेक्ट पे हमेशा पेयर में ही आएगा.
ये बात ध्यान रखना और अपने दिमाग से ये बात भी निकाल देना कि mg की वजह से नॉर्मल आता है, नहीं बेटा mg इज द डिफरेंट थिंग है, नॉर्मल इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। वो अलग बात है कि इंसान कैसे नॉर्मल इज गोइंग टू बैलेंस द वे, कुछ केसेस में ऐसा होता है जैसे यहां पर आपको लगा होगा ये नॉर्मल है इसको mg की तो नॉर्मल इज बस mg, दिस इज नॉट द ट्रू केस। द ट्रू इज दैट ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट का अगर FDV बना है तो इसके mg पीछे लग रहा, ठीक है बेटा, इसको इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और सिमिलरली ये जो ग्राउंड जिस ग्राउंड पर इसको रखा गया था ये ग्राउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था सेम फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सेलरेशन क्लियर होता रहता, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा दूसरा वाला उसके ऊपर भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जमीन पर रखा था तो जमीन इसको अपनी तरफ खींचा जिसको आपने बोला कि वेट है इसका, तो भाई उतना ही फोर्स लगाकर ये ऑब्जेक्ट भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये mg हो गया क्लियर। ये mg इज नॉर्मल से इसका दूर दूर का कोई रिश्ता है, ठीक है। ये नॉर्मल कहां से आया, ये नॉर्मल इसलिए आया क्योंकि इसका कॉन्टेक्ट हो गया भाई। अगर आप इस ऑब्जेक्ट जरा सोचो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जमीन पर रखा हुआ, ठीक है, जब वो जमीन पर रखा है तो नॉर्मल mg के बराबर आप बोल रहे हम उसको उठा ले ऐसे हाथ में ले तो क्या mg खत्म हो जाएगा बेटा, नहीं खत्म होगा ना, नहीं खत्म होगा ना, मतलब mg का नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं, वो हो जाता है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नॉर्मल mg के बराबर आ जाता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नॉर्मल mg के बराबर आता है। एक्चुअल में क्या है कि अभी कांटेक्ट हुआ ना, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल आया, कांटेक्ट खत्म नॉर्मल, कांटेक्ट खत्म नॉर्मल, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मल का mg से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, mg की एक्शन रिएक्शन क्लियर है बेटा और नॉर्मल भी है, तो इसलिए जितना नॉर्मल रिएक्शन के ब्लॉक ग्राउंड पर लगाएगा उतना ही ग्राउंड इस ब्लॉक पर लगाएगा, जितना ये बॉल इस लैडर पर लगाएगा उतना ही इस वॉल पर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन, जितना ये लैडर ग्राउंड पर लगाएगा उतना ही ग्राउंड लैडर पर लगाएगा। आई बात समझ क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, यस पूछ लेना। चलो अब देखो इस वाले डायग्राम में आते बेटा, तो ये रहा सरफेस, ये जो रॉड है ना यहाँ पर ये रॉड सरफेस है बेटा, ये कॉर्नर हो गया, ये शार्प पॉइंट हो गया, रॉड सरफेस हो गया, जो नॉर्मल आएगा किधर आएगा, द नॉर्मल ऑन द रॉड हिट द जीना जो भी है, ठीक है। तो ये जो रॉड पर आएगा बेटा वो नॉर्मल किधर आएगा, और जब आप यहाँ पर देखोगे देखो इस वाले पॉइंट पर देखोगे तब यहाँ पर ये जो ग्राउंड है ना वो सरफेस हो गया और ये जो रॉड था वो शार्प पॉइंट, अब यहाँ पर नॉर्मल इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा इस तरह से, सरफेस के ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये छोटी सी बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ होता है। जब भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को शो कर रहे हैं हमेशा नॉर्मल को कैसे दिखाएंगे बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और मैंने सारे केसेस दिए हैं, ऐसा कोई केस थोड़ा नहीं है, ये सिचुएशन आएगी तो कैसे दिखाना है आपको समझ में आ गया, ये सिचुएशन कैसे दिखाना है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई है बेटा। हाँ हर जगह पेयर है ये ध्यान रखना, हर जगह पेयर है, अगर इस जीने ने इस रॉड को पुश किया है, रॉड ने जीने को पुश किया है नीचे की तरफ, ग्राउंड ने रॉड को ऊपर को पुश किया है तो रॉड ने भी ग्राउंड को नीचे को पुश किया होगा, पेयर में तो हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब इस पर आते बेटा, इस पर कैसे निकालेंगे, तो इस पर ये जो कॉन्टेक्ट होगा बेटा जिस पॉइंट पर इसका कॉन्टेक्ट होगा यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट पेयर, क्योंकि भाई इस पेयर में कोई सर्फेस ऐसा थोड़ी ना होता है, स्फीयर में जहां पर कांटेक्ट होगा वहां पर आपको एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो जब आपने यहां पर टेंजेंट बना दिया बेटा इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आएगा फोर्स। अब बेटा इसका परपेंडिकुलर आपको पता ही है कि स्फीयर के सेंटर से पास करना चाहिए, ऑब्वियसली टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है जो कि स्फीयर के सेंटर से पास करता है, राइट। तो यहां पर जो नॉर्मल लगेगा बेटा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर व्हिच इज पासिंग टू द सेंटर, सेंटर ऑफ दिस, सिमिलरली यहाँ पर देखोगे बेटा यहाँ पर इसका टेंजेंट यही है, यही लाइन है, तो ये आ गया अगेन दिस नॉर्मल में पास होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप जब नॉर्मल निकालोगे तो आपको वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ होगा। आया बेटा समझ में, बेटा समझ आ रही बात है सर? सर नॉर्मल तो सर बॉल भी उस पे लगाएगी ना, बिल्कुल लगाएगा, बिल्कुल सिमिलर जैसे इसने इस पर लगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, इसमें ये डायरेक्शन में आ गया, इसमें डायरेक्शन में आ गया, ऑलवेज एक से नेक्स्ट,
सबसे पहले डायरेक्शन आप सरफेस के परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर उसका टिक अपोजिट। सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर, फिर उसका टिक अपोजिट एक्सेलरेशन। इसलिए सरफेस ढूंढना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सरफेस नहीं था तो हमने टेंजेंट बनाया, इन दोनों में सरफेस था, ठीक है ना। यहाँ पर तो दोनों ही सरफेस थे, 7.9। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट। जहां जहां कॉन्टेक्ट होगा वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब देखो इस वाले पॉइंट पर आपको सरफेस साफ साफ दिख रहा है, ये बता दो कि इधर नॉर्मल लग रहा है, राइट। इस वाले सरफेस पर आप बोलोगे हां सीरीज की इधर बना हुआ लग रहा है, इस वाले पर भी आपको दिख रहा है इधर लग रहा है, क्योंकि ये वॉल जो है वॉल सरफेस का काम कर रहा है, है ना। यहां पर भी देखो कि इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। बात ये आती है इन तीनों पॉइंट्स की बात करें, यहां पर कैसे बताओगे। तो यहां पर आपको एक कॉमन टेंजेंट खींचना पड़ेगा, एक टेंजेंट जो कि दोनों स्क्वायर का कॉमन टेंजेंट, और फिर इसका जब आप नॉर्मल बनाओगे ना बेटा, तो इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा। मतलब एक लाइन ही है और स्क्वायर मैंने तो बनी इसलिए एग्जैक्टली आपको दिख नहीं रहा है, बट यस इस पॉइंट पर दोनों के ही नॉर्मल जो है बेटा, दोनों के ही सेंटर की लॉन्ग पास कर रहा है, ये ध्यान रखना हमेशा। स्क्वायर में कभी भी देखोगे ना जो भी नॉर्मल आएगा हमेशा सेंटर से पास करना चाहिए, सेंटर से इधर उधर नहीं भागना चाहिए। सेंटर से इधर उधर भागेगा तो बहुत कुछ होने लगता है, वो क्या फोटो और बाद में देखेंगे, ठीक नंबर टू मैच पावर के बाद, ठीक। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जब आप बना रहा हूँ अगेन ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट, ये मैं सिर्फ आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जाम में आप इसको ड्रॉ करने बैठ रहे हो, नहीं, बस ये फील कर लो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रहेगा, तो ये हमने एक कॉमन टेंजेंट बना दिया, इसका नॉर्मल ये हो गया, इसका यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट बना दिया बेटा, ये एक लाइन थी, ये कॉमन टेंजेंट। हाँ, एक सर रिएक्शन क्लियर हमेशा रहेगा जो मैंने दिखा दिया। तो आई होप दैट कि कोई भी सिचुएशन मिल जाए आप नॉर्मल बना सके। तो भाई कोई भी सिचुएशन मिल जाए नॉर्मल बना दोगे? ये चलिए एक लास्ट, एक लास्ट बेटा, ये जो रॉड किया हमने वो बचपन में किया करते थे ना, माचिस की तीन या जो ताश की, ताश का पत्ते का घर बनता देखा होगा आपने, दो ताश के पत्ते जो लिया जोड़ दिए, इस पॉइंट पर नॉर्मल बताओ मैं, इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये तो आसान है ना, तुम क्या करोगे ना, मैं बना देता हूँ, यहाँ बनाओ, इस पॉइंट पर नॉर्मल बताओ। अभी आपने बोला कि आप हर जगह बना देंगे, सही है क्या सर? पिरामिड, पिरामिड समझ सकते हैं, या दो ताश के पत्ते ऐसे लेकर के ऐसे जोड़ करके रख दो, खड़ा कर दो सर। अगर तो से पिरामिड है तो सर नीचे से लगेगा सर इसमें, अगर ये पिरामिड नीचे से लगेगा वहां पे बेटा, नीचे से ग्राउंड से, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ये सब हम ऐसा है सर, ऐसे मैंने दो पे लिया दोनों पे ऊपर से रख दिया, ऐसे करा कर ये पूरी बीच बीच में हवा पास ले, ये पिरामिड नहीं बताओ बेटा। देखो सिचुएशन कोई भी अराइज हो सकती है फिजिक्स में कभी भी, मैंने सारी सिचुएशन बता दिया, इस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया। अगर आप पढ़िए तो बताओ, डॉटेड लाइन आएंगे क्या, डॉटेड से दिखाओ चाहे कंटिन्यूअस लाइन से दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन बताओ किधर जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर दूसरा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों ही कोई एक रॉड है ना, और वो ऐसे खड़ा कर दिया है along the line of triangle, good। चलो बेटा नॉर्मल जीरो, अरे यार क्या कर दो, कांटेक्ट है ना वहां पर, कांटेक्ट है तो नॉर्मल जीरो कैसे हो, फालतू की बात है। जब तक कांटेक्ट है तब तक नॉर्मल रहेगा बेटा, यू कैन नॉट से दैट द नॉर्मल इज जीरो। वो सिचुएशन अगर कभी आ जाए इक्वेशन सॉल्व करके तो वहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जीरो हो सकता है। बेटा देखो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर दोनों में से मतलब कांटेक्ट है लेकिन आप सरफेस डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ये वाला सरफेस लो ये वाला सरफेस। अभी जैसे आपने बताया, किसी ने मुझे बताया कि अलोंग द ट्रायंगल लाइन ऑफ द ट्रायंगल,
बेटा दो डायरेक्शन कैसे होता है? अगर आपने बोला कि एक नॉर्मल इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लगना चाहिए, नहीं लग सकता। अगर आपने बोला एक नॉर्मल इधर लगता है तो दूसरा इधर लगना चाहिए, नहीं लग सकता। तो इस सिचुएशन में यू कैन नॉट डिटरमाइन द सरफेस, आपको यहां पर डिटरमाइन करना होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए ना तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा फिजिक्स में, कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा और लंबवत होकर बनता है। हमने वर्टिकल प्रेयर में किया जाएगा पेज पे। बट यस बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर नॉर्मल के लिए आप सरफेस डिसाइड नहीं कर पाओ क्या इसको सरफेस लू मैं या इसको सरफेस लू, कोई बात नहीं, भूल जाओ। मान लो ये कंपोनेंट एक्स के अलावा है, वाई के अलावा है, ठीक है। अब जाकर नॉर्मल कंप्लीट हो गया, बोलो समझ आया, समझ आया बेटा, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो क्या कंफ्यूज हो, समझ आए नहीं है? यस सर। आगे समझना, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलता है जहां पर आप सरफेस आइडेंटिटी, जैसे यहां पर मुझे सरफेस दिख रहा है भाई, इस ग्राउंड पर मैं सरफेस ले सकता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई सरफेस नहीं मिल रहा है, जब सरफेस नहीं मिलेगा तो आप मान नॉर्मल कुछ एंगल पर आएगा उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान के आवारा हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बाद में रिजल्ट निकल देना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर प्लीज रिपीट दिस वंस। ओके बेटा ठीक है, मैंने इसमें ये बोला कि भाई जब कभी भी आपको नॉर्मल सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो नॉर्मल का डायरेक्शन बनाना है तो आपको आइडेंटिफाई करना होता सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पर सरफेस आइडेंटिफाई ना, जैसे ये वाला केस, इसमें आप सरफेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इस वाली रॉड को सरफेस मालूम है, इस वाली रॉड को सरफेस मालूम नहीं, किस साइड पर, तो क्या करेंगे भाई? ऑब्वियसली ना तो इधर आएगा ना उधर आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ना, कहीं ना कहीं तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। हमने मान लिया कि कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन आया, उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, एक कंपोनेंट वर्टिकल, और उसके बाद fx/y वाला जो वाला कांसेप्ट होता है उस कांसेप्ट से सॉल्व कर दिया था हमसे, निकाल लो क्वेश्चन क्या भी आएगा तो इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अभी डायरेक्शन कैसे बनाना है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर सरफेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट लेकर के दो कंपोनेंट लेकर के सॉल्व आसानी से बना सकते हो, दिखा सकते हो। बोलो बेटा समझ आया? सर कैन वर्टिकल कंपोनेंट कैन फेस डाउनवर्ड? बिल्कुल बेटा, जब आप उसको सॉल्व करोगे, जैसे आपने nx इधर मान लिया y इधर मान लिया, जब आप इसको सॉल्व करोगे पॉजिटिव आया तो मतलब आपने सही माना, नेगेटिव आया तो आपने लेफ्ट माना तो राइट कर दो, ऊपर माना तो नीचे कर दो, ठीक है, वो तो साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम किसी चीज को एज्यूम करते हैं जनरल केस लेकर चलते हैं, अगर प्लस का आगे मतलब आप सही, आपने सही एजम्पशन लिया है, अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब डायरेक्शन बदल दो, ठीक। तो बेटा ये था नॉर्मल, आई होप दैट आपको नॉर्मल बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नाउ अगर आपको आगे चलते मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से फोर्सेस लगा है। हमेशा ध्यान रखना बेटा कोई भी क्वेश्चन को भी न्यूमेरिकल आता है अगर कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल आएगा, जिस पॉइंट की बात आप करोगे न्यूमेरिकल में अगर उस पॉइंट पर कॉन्टेक्ट है तो नॉर्मल आएगा ही आएगा, उसके साथ अलग फोर्सेस लाएंगे वो अलग बात है लेकिन नॉर्मल भी आएगा, तो ये बात हमेशा दिमाग में रख करके चलना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें बात करनी है टेंशन की। व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके बेटा, अभी टेंशन को बता देता हूँ होता क्या है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी इस के बारे में सारा यही क्लास में बताऊंगा। चलो टेंशन फोर्स की बात कर लेते हैं, नॉर्मल सबको समझ में आ गया बेटा, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है बेटा? नो सर, क्योंकि यही एक छोटी छोटी बातें हैं, यही छोटी छोटी बातें आपकी रहेंगी तो आगे मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में मजा आएगा। चलिए टेंशन फोर्स की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है एंड इट इज ऑलवेज पुश फोर्स, वो हमेशा पुश फोर्स होता है सरेंडर में, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है बेटा पुश फोर्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं टेंशन फोर्स, टेंशन सबसे पहले आता है, टेंशन में बड़ी सारी कंडीशंस होती है बेटा। किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पर कभी किसी टाइम पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है, कि जो टेंशन होता है उसमें हमेशा पुली को मासलेस क्यों लेते हैं, फ्रिक्शन लेस क्यों लेते हैं? हमेशा बेटा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको हमेशा उसको मासलेस फ्रिक्शन लेस लेके चलना है, मैं आपको बताऊंगा
कि मास लेस और फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा, मास होगा फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन है मास नहीं है तो क्या होगा, मास और फ्रिक्शन है तो क्या होगा, सारे केसेस का डिस्कशन करेंगे। सारे केसेस आज नहीं होंगे पर इससे थोड़ा सा हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि टेंशन फोर्स है क्या। अब टेंशन फोर्स क्या होता है बेटा, टेंशन आता है तब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक स्ट्रेस अप्लाई करो, स्ट्रेस मतलब उसको खींचो, उसको पुल करो, उसको स्ट्रेच करो। तो स्ट्रेच करने पर क्या होता है, जैसे मान लो ये पेन ही है, इस पेन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो अपनी अपनी पोजीशन पर सेटिस्फाइड है, भाई अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं सेटिस्फाइड। बट इफ यू वांट टू चेंज देयर पोजीशन, अगर आप इसके मॉलिक्यूल की पोजीशन को बदलने की बात करोगे, मतलब आप इसका शेप बदल रहे हो ना, आप इसके मॉलिक्यूल को इधर से उठा के इधर से कर दिया, मतलब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, आप इसको इलोंगेट कर रहे हो तो भी मॉलिक्यूल की पोजीशन बदल गई। तो मतलब किसी भी सिचुएशन में चाहे आप इसको कंप्रेस करिए चाहे आप इसको इलोंगेट करिए, आपने मॉलिक्यूल की पोजीशन बदल दी। और जैसे ही मॉलिक्यूल की पोजीशन बदलेगी, मॉलिक्यूल को गुस्सा आएगा, वो कहेगा नहीं भैया मुझे अपनी जगह पर रहना है, मतलब तुरंत के तुरंत वो मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, तुरंत वो कोशिश करेगा कि वो वही जाए जहां पर वो था, जहां पर उसकी एनर्जी मिनिमम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो मतलब ये मॉलिक्यूल क्या करता है ना, वो वापस वही आना चाहेगा जहां पर वो था अगर आपने उसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर दिया। और ऐसा करने की सिचुएशन में वो मॉलिक्यूल आपके फोर्स का अपोज करना शुरू कर देता है, तो वो अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगेन दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हुआ जिसने उस फोर्स का अपोज किया जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो रही थी या फिर कोई एक रॉड कंप्रेस हो रहा था, उसकी वजह से वो उसका अपोज करना शुरू करेगा, उसकी वजह से आएगा टेंशन फोर्स। आई होप दैट आपको समझ आए टेंशन फोर्स। यस ठीक है, तो टेंशन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वो इसलिए आता है क्योंकि आपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को बदलने की कोशिश की, ठीक है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉड, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रिंग और रोप की भैया। तो स्ट्रिंग और रोप को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, राइट। ठीक है, आप जो है स्ट्रिंग या रॉड को कंप्रेस नहीं कर पाओगे ना, आप उसको केवल खींच सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बात हम लोग करने वाले हैं, जिस टेंशन की बात करने वाले हैं, दिस टेंशन फोर्स इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ फुल टेंशन। हमेशा क्या होगा बेटा, सर टेंशन तभी तक लगेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। ऑब्वियसली बेटा टेंशन आएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। नॉर्मल आप एक लूज स्ट्रिंग ले लोगे, इसमें टेंशन क्यों आएगा, एक लूज स्ट्रिंग में टेंशन क्यों आएगा, जब आप उस लूज स्ट्रिंग में कोई एक वेट सस्पेंड करोगे तब हो जाता है, क्योंकि फिर की वजह से स्ट्रेच होगा तो टेंशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तक किसी उसमें टेंशन आने का कोई सवाल नहीं। टेंशन तभी आएगा जब कोई फोर्स ऐसा होगा जो उसको स्ट्रेच कर रहा होगा, कोई भी फोर्स ऐसा होना चाहिए जो उसको स्ट्रेच कर रहा, तो टेंशन आ जाए। समझ आ रही बात? यस सर। तो टेंशन फोर्स हो गया बेटा सबसे पहले, इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। तो टेंशन क्यों आ गया, तो टेंशन के बारे में सबसे पहले आपने समझ लिया कि टेंशन इज ऑलवेज, टेंशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, हमेशा एक पुल फोर्स होता है बेटा। मतलब टेंशन की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते, एक रस्सी बंधी हो रस्सी पकड़ के पुश कर दो ऑब्जेक्ट ऊपर, जैसा नहीं होगा ना, आप रस्सी बांध कर ऑब्जेक्ट को खींच सकते हो, ठीक है। इट इज ऑलवेज पुल फोर्स एंड टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, पुल फोर्स, ठीक है। और इसमें मास होगा नहीं होगा उसके अलावा उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, इसके बारे में बाद में ही बात करूंगा। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया कि टेंशन फोर्स क्या है और इसका दो पॉइंट मैंने आपको बता दिया बेटा, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम कल ही डिस्कस करेंगे बेटा। आज मुझे थोड़ा सा काम है, एग्जैक्टली 11:30 पर बैठना है, ठीक है, बट हाँ रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है बेटा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा शाम को, आज शाम, ठीक है बेटा। तो आज जो मैंने आपको बताया नॉर्मल के बारे में डिटेल में बताया, कल टेंशन के बारे में 15 से 20 मिनट लगेगा, आपको टेंशन पूरा अच्छे से समझा दूंगा, फिर वापस। हाँ बेटा
सर चैनल का नाम तो दो जरा अपनी।